झूठे के भी एन सरकार हूँ कहिया सबके कूलर लागल छे एसी लागल छे। एवरीवन कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल द ट्विन फैमिली। तो आज है वट सावित्री पूजा, तो मैंने भी अच्छे से मेहंदी सब लगाया हुआ है। अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अब मैं तैयार होंगी। और पूजा आज के दिन 10 बजे के बाद ही होगी, तो 10 बजे के बाद हम लोग जाएंगे। अभी 10 बज गए हैं और मैं तैयार नहीं हूँ, अब तैयार हो जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या मुझे पहनना है और मैंने क्या क्या अभी तक तैयारी की है, सब दिखाऊँगी। तो हमारे बिहार में इसे बहुत रीति रिवाज के साथ किया जाता है और बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध व्रत है कि इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से बचा लिया था और उनको पुनः जीवित किया था। उस दिन से ये व्रत शुरू किया गया और सब जितनी भी सुहागनी औरतें 16 श्रृंगार करके इस व्रत को पूरा करती हैं, व्रत करती हैं आज के दिन। तो हमारे मैथिली समाज में कैसे किया जाता है, किस विधि विधान से होता है, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या आज पहन रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज ये ऑर्गेन्जा सिल्क साड़ी पहन रही हूँ, इसका ब्लाउज ये रेडी मैंने करवा लिया था, तो मम्मी ने मुझे, मेरी सासू माँ ने मुझे दिया अपनी पसंद से और ये बहुत सुंदर साड़ी है। और यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी निकाल रही है, यहाँ पे ये लहठी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से मैं कौन सी लहठी पहनूँ, येलो पहनूँ या ये मरून शेड में पहनूँ। मम्मी से पूछ के पहन लूँगी जो इस पर अच्छा लग रहा है। और सारी पायल बिछिया सब निकल गई है, अब रेडी हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एकदम रेडी हो गई हूँ और ये रहा मेरा फाइनल टच। तो अब चलते हैं पूजा करने और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी अभी तक कर ली है, क्या क्या फल लिया है और गौरी ये सब दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने ये 5 तरह के फल ले लिए हैं और यहाँ पे एक मैंने ये आम रखा हुआ है, इनकी पूजा हम जल ढालेंगे इन पे, तो ये एक आम ले लिया। यहाँ पे ये चना मैंने रात में भिगो दिया था, तो चना भी है। रोली, पान का पत्ता, ये मिट्टी का दिया और ये सारी, और ये हमारी गौरी भगवान है, गौरी गणेश, ये हमें ससुराल से दिया जाता है। और हम मैथिली ब्राह्मण्स में ये रेगुलर हम इन्हें पूजते हैं, तो आज के दिन भी हम वट पेड़ के नीचे मैंने पूजेंगे। इसमें मैंने गंगाजल, धूप, दीप, फूल, यही माचिस और ये सिंदूर ये सब ले लिया है। तो अब हम जा रहे हैं वट वृक्ष के नीचे पूजा करने, सारी तैयारी हो चुकी है तो मैं वहाँ पर मिलूंगी आपसे। तो यहाँ पे मम्मी मुझे ये बहुत सुंदर ये कान का दी है और ये हमारे वंश का प्रतीक होता है, तो इसी से हम वट वृक्ष को हवा करेंगे। और इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया आज के दिन। सासू माँ मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रही है आज। चाची करी देख तू, यो देखो दिया ए दीदी, घूमे तुम्हे वाला नहीं देखी तू कहली उठल दियो तो बैस जाए भाभी पता है, ये लो उसको क्लिप लगा दो, क्लिप लगा लो ना। ये गाछ लगे सत्यवान सावित्री
बाबू अगरबत्ती चीज तो घर भेज जाए नया नया साड़ी पहन ले चाहिए चाहिए हां भाई चाहिए मम्मी अलग वाले दो पत्ता हारू हां चम जगह नहीं छे ना भगवान को थोड़ी से पीक नहीं आती अच्छा तब तो जेल में दबा आ ढेर हां बस हो गई ये क्या दब के लंका को राखो पीछे ऊपर डरते ना ऊपर की झूठे के बीएन सरकार हम कई सब के कूलर लागल छे एसी लागल छे एहन जो हम हफ्तो तो सत के होइते आज भर जिंदगी पंखा हम कति काटल ओ सब झूठ के करैय लागे झूठ के साल में एक बेर बस याद आवे छे पंखा होके बैठ जैसे गर्मी में मरे छे तखनी आदि में आवे छे कह दे लेकिन हवा पंखा दीदी हमारी सबसे बड़ी भाभी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हमारी मेरी जेठानी है लेकिन इन्होंने मुझे आज तक हुकुम रूल नहीं चलाया जल भी ग्रहण ही करती है इस व्रत के पढ़वे ही लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चला एक डाले को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हुए सत्यवान काफी दर्द करने लगा हुआ वृक्ष के वृक्ष से नीचे उतर आया और शांति से बोला मेरे सिर में क्या हो रही है मैं आराम करना चाहता हूँ पतिव्रता पर प्राणशाली की स्थिति होने लगी सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर ने उत्तर दिया मैं यमराज हूँ तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है मैं उनके प्राण लेने आया हूँ अपनी बात समाप्त कर यम नहीं अच्छा लग रहा लग रहे हो डरवन वाले और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी सासू माँ है ना मेरी सासू माँ हो ना रविंद्र भवम भवानी सहितम नमः बहुत अच्छी हुई और हम लोग बहुत है ये पूजा करके बहुत खुश है और सत्यवान जी से यही प्रार्थना करते हैं सती सावित्री जैसे वो अपने पति को लंबी उम्र के लिए अपनी उनको मौत से बचाए वैसे ही सबको इसी तरह सबको उनकी पति को लंबी आयु हो आप भी कुछ बोलिए फिलहाल बहुत धूप लग रही है चलते हैं घर अब हमारी सबसे बड़ी सासू माँ हमको खींचती हुई ले जाती हुई नहीं आवे छ और तो सब चीज आवे छ हैया आब अच्छा ऊपर को दो हां 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 बात हां आवे खूब सुंदर आवे ए ए हां बोले ले ए आइए कन्या आइए आम का साग उठाया जाता है जिंदगी तो हमने एक्सचेंज कर लिया और हम अब सास से फ्रेंड्स बन गए आई आई गला मिल लो ओ माते भगवती बड़ बड़ कन्या काय पावन छे खूब छुड़ाल रही आशीर्वाद दे ना कुते फली है ये जय भगवान हे बल्लन महाराज खूब इनका सब आशीर्वाद देबे सालो भर हम को पूजा नहीं करत रहे साल में आवे रहे तो पूजा पाठ करत रहे सब ज्ञान नियम छे हां तो पूजा हमारी अच्छे से हो गई है और हम घर आ गए बहुत ज्यादा गर्मी है पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ तो अब पति देव की पूजा की जाए और उनको भी थोड़ा पंखा दिया जाए सारी दिखावटी पूजा नहीं दिखावटी हो रही है चुप पैर को भी दिखाओ
आके तुम मेरे चरणों में पड़ो। थोड़ा सा लो ऐसी चल रहा है फिर भी झूठ मत की पूजा। जो हमारा नियम है हम वो तो करेंगे ना। पैर हाथ सब भी दबा देती हूँ। आज के दिन आप खुश रहो, हमें भी गिफ्ट दो अच्छे अच्छे। वैसे हमने कुछ चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है और अब मैं बिना नमक का एक टाइम खाना खाऊंगी और फलाहार करूंगी। और रात में नहीं खाया जाता है हमें, तो हम सब शेयर करेंगे आपके साथ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ और क्या क्या होगा। मेकअप का लालच हो रहा है कि मम्मी जो जो लगाई सब चुप। आपकी